My name is Kevin. I'm from London, UK. I'm really happy to take my new voice. My problem started when I was 12 years old. This will definitely motivate people who are suffering from similar situations. Are you high pitch voice problem? तो अभी तो सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. वॉइस में काफी फर्क आ रहा है. You said, I take it as a challenge and I'll give you your voice back without any invasive procedures. After surgery, I have vocal cord paralysis. And now I can speak normal. I feel good. Hi, I'm Cyrus. Hi, my name is Cyrus. Hi, I'm Chong. Now my voice has recovered and improved. Hello. इसलिए मुझे बहुत ही प्रॉब्लम. मैं पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ. My name is Sirajuddin from Warangal. And I'm very happy that I'm speaking like a normal people with a bass voice like male. So I'm having this voice problem. I spoke with a few of my friends and they found reasonable changes in my voices. I've been facing difficulty in speech. I'm able to speak words properly and sentences properly. Just you try to say something. Treatment is in here. Mm-hmm. After 2 hours I got my voice. Mm-hmm. Case name Deepak, age is 21 years and complaint of non-fluent speech. Deepak, मुझे speech sample चाहिए treatment से पहले का. Okay sir, तो sir मेरा नाम इस दीपक है और मैं सिरसा हरियाणा से belong करता हूँ. Post therapy video of Deepak and today date is 9th May 2022. दीपक, क्या प्रॉब्लम थी और यहाँ पे क्यों आए थे और ट्रीटमेंट के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, इधर आके ना मेरे को अब अच्छा लग रहा है. जो मेरे को प्रॉब्लम थी तो अब उसमें मेरे को इम्प्रूवमेंट आया है सर. क्या? मेरे को हकलाने की प्रॉब्लम थी मेरी, आज आती नहीं थी सर. पहले तो इतनी प्रॉब्लम होती थी कि शब्द ही आता नहीं था अंदर से सर. और अब ऐसा है, अब ऐसा हो रहा है कि आराम से हाँ भी नॉर्मल बातचीत हो रही है. नॉर्मल तो नहीं कह सकता लेकिन पहले से बेहतर हाँ हुए हैं. और हमारे क्लिनिक में स्टैमिनिंग का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो लोग 100% ठीक नहीं होते हैं, पहले से बेहतर होते हैं. मेरे क्लिनिक का यही है और इनफैक्ट सच्चाई भी यही है, मतलब कि 100% क्योर नहीं हो पाता है जहाँ तक मेरा अनुभव है. और कहाँ से आप आए थे? और मैं सिरसा हरियाणा से हूँ और अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट आया है सर मेरे अंदर. आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अपना संडे का टाइम, छुट्टी का टाइम कैसे बिताते हैं? सर, मेरी हॉबीज़ हैं अभी क्रिकेट खेलना मेरे को अच्छा लगता है. और संडे के दिन मैं अपने हाउस में ही रहना अच्छा लगता है और जो वीडियोज़ वगैरह अभी देख लेता हूँ थोड़ा बहुत तो अभी हो जाता है सर. ठीक है. और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको दीपक की स्पीच में, इनकी फ्लुएंसी में पहले से बेहतर चेंजेस दिख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इनके जैसे लोगों तक बात पहुंचे और वो लोग अपने समस्या का जो है सही समाधान तक पहुंच सकें. थैंक यू. और क्या मैं आपकी वीडियो अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया पेजेस पे यूज़ कर सकता हूँ? हाँ सर, आप ले सकते हो उसके लिए. थैंक यू.